एक ऐसा देश जहां की लड़कियां सिर्फ वीडियो कॉल करने के लाखों रुपए लेती है, और इस देश की लड़कियां रोबोट को भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। अगर आप सिर्फ 1000 रुपए में घूमना चाहते हैं तो ये वही देश है जिसका नाम पनामा है। इस देश में लड़का हो या लड़की, उन्हें अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़का किसी अन्य लड़के के साथ रिलेशन बनाना चाहे तो यहाँ की सरकार को कोई आपत्ति नहीं। मतलब कि दोस्तों, इस देश में सब कुछ लीगल है। इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पनामा है, जिसे पनामा गणराज्य भी कहा जाता है। ये देश कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच का लैंड ब्रिज है, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है। इसकी सीमा कोलंबिया और कोस्टारिका से लगती है। इस देश का कोलिंग कोड +507 है और यहाँ के लोग राइट साइड गाड़ी चलाते हैं। पनामा शहर इस देश की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, जो कुल 275 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। धर्म की बात की जाए तो यहाँ की 93% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। करेंसी की बात करें तो पनामा में US डॉलर चलता है, जहाँ एक US डॉलर की करेंट वैल्यू भारत के 73 रुपए के बराबर है। पनामा का कुल क्षेत्रफल 75,517 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 118वें नंबर पर गिना जाने वाला सबसे बड़ा देश है। वही यहाँ की जनसंख्या 43 लाख से ज्यादा है, जो आबादी के लिहाज से विश्व का 124वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में जो भाषा बोली जाती है वो स्पेनिश है, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोली जाती है, ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट को कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठंड के मौसम में पनामा में हर साल 160 इंच तक बर्फबारी होती है। इस देश का लगभग 60% हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो सेंट्रल अमेरिका में स्थित किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा है, और इन जंगलों में पेड़ पौधों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, पनामा में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया माना जाता है। यहाँ किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर कैपिटा इनकम $22,000 है। पनामा एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया का हर अमीर आदमी, हर दौलतमंद इंसान पनामा का सिटीजनशिप जरूर हासिल करना चाहता है। लेकिन जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पनामा की जो सरकार है, वह यह नहीं पूछती कि जो रकम आप पनामा में ला रहे हैं उसका सोर्स क्या है, और ना ही वापस ले जाते हुए किसी प्रकार का सवाल करते हैं। और साथ ही यहाँ इनकम टैक्स की भी छूट है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की तेजी से तरक्की हो रही है। दोस्तों, खेल कूद की बात की जाए तो फुटबॉल और बॉक्सिंग के साथ साथ बेसबॉल यहाँ का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे, पनामा के कानून के अनुसार इस देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। महिलाएं अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती है। साथ ही पनामा में दो कपल के बीच संबंध बनाने को लेकर भी कानूनी सहमति है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।